सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट मेथड में हमारे पास जो ऑपरेटर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है वेइंग बैलेंस, इसके साथ हैमर, चिजल, ये सैम्पलिंग स्पून, स्ट्रेट एज, सैम्पलिंग बैग, ये नेल्स, बेस प्लेट, और ये है सैंड कोन जिसके अंदर सैंड फिल है 16 नंबर की सीव का पास और 30 नंबर का रिटेन। टेस्ट के प्रोसीजर में हमने सबसे पहले इस स्ट्रेट एज की मदद से सरफेस को इस तरह से प्लेन किया है और प्लेन करके हमने उस जगह पे ये प्लेट फिक्स कर दी है। प्लेट फिक्स करने के लिए आपने तीनों साइडों पे ये नेल्स लगा देने हैं। अब हमें इस मटेरियल को एक्सकेवेट करना है, उसके लिए हम चीजल यूज करेंगे। चीजल आपने सबसे पहले सेंटर में लगानी है ताकि ये जो प्लेट है ये डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह से आपने मटेरियल को एक्सकेवेट करते जाना है और इसको इसी सैंपल को हमने इस सैंपलिंग बैग के अंदर फिल करना है। इस सैंपलिंग बैग का हमने वेट पहले किया हुआ है जो कि 20 ग्राम्स है। ये हमने पिट जो है वो 15 सेंटीमीटर एक्सकेवेट कर लिया है कम्प्लीटली और ये वो सैंपल है जो कि हमने पिट में से कलेक्ट किया है। अब हम इस सैंपल का वेट करेंगे। ये जो हमारे पास वेट आएगा, वेट ऑफ एक्सकवेटेड सैंपल प्लस सैंपलिंग बैग, इसमें से हम सैंपलिंग बैग का वेट माइनस कर लेंगे। सैंपल का वेट करने के बाद हम दूसरा वेट करेंगे जो कि हमारे पास वेट ऑफ सैंड कोन प्लस एफडीटी सैंड होगा बिफोर पोरिंग। अब हमने इसी सैंड को होल के ऊपर प्लेस करना है, सैंड कोन को, और इसकी जो सैंड है वो होल में जाने के लिए रिलीज कर देनी है। यहाँ से देखें ये इसका एरो जो है वो नीचे जाएगा तो इसकी सैंड रिलीज हो जाएगी। इसकी सैंड जो है वो होल के अंदर जाना स्टार्ट हो गई है। जब ये सैंड होल के अंदर जाना स्टॉप हो जाएगी तो तब हम इसको स्टॉप करके इसका दोबारा वेट करेंगे। ये देखें अब सैंड जो है इस कोन और होल के अंदर जाना बंद हो गई है तो अब हम यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। ये हमने इसको दोबारा ऑफ कर दिया है। ऑफ करके ये हमारे पास वेट आएगा वेट ऑफ एफडीटी कोन प्लस सैंड, ये रिमेनिंग वेट हमारे पास आएगा। अब ये जो हमारे पास वेट है ये है वेट ऑफ एफडीटी कोन प्लस रेजिडुअल सैंड या रिमेनिंग सैंड जो हमारे पास बच गई है। लास्ट में इसी सैंपल को हम लैब में ले जाके स्कैन में डाल के इसका मॉइस्चर कंटेंट चेक करेंगे जो कि हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट जो है दो तरह से चेक किया जाता है, एक बाय ओवन ड्राइड मेथड और दूसरा स्पीडी मॉइस्चर के जरिए। मॉइस्चर कंटेंट इसका चेक करने के बाद हम इसकी फाइनल कैलकुलेशन करेंगे और उसकी फाइनल कंपैक्शन। सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट में सबसे पहले हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस में हमने जो जो वेट ऑब्जर्व किए हैं उसमें सबसे पहले जो हमारा वेट है वेट ऑफ सैंपल प्लस सैंपलिंग बैग, ये 30-66 ग्राम्स आया है। इसके बाद वेट ऑफ सैंपलिंग बैग है जो कि 20 ग्राम्स आया है। उसके बाद वेट ऑफ सैंड कोन प्लस सैंड बिफोर पोरिंग, मतलब अब जब हमने होल पे सैंड की पोरिंग स्टार्ट की थी उससे पहले जो वेट था वो 75-11 था, और उसके बाद वेट ऑफ सैंड कोन प्लस सैंड आफ्टर पोरिंग, तो पोरिंग के बाद जब हमने उसको दोबारा वेट किया था तो वो 29-29 था। उसके बाद हमने मॉइस्चर कंटेंट फाइंड किया था ओवन ड्राइड मेथड के जरिए, वो हमारे पास आया है 12.0। इसके साथ हमारे पास यूनिट वेट ऑफ सैंड जो कि सैंड हमारे पास 16 नंबर की सीव के पास और 30 पे रिटेन होती है, वो हमारे पास 1.387 ग्राम आया था जो कि हम पिछले एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसके साथ ले लिया कि ऑलरेडी चेक इन लैब। इसके साथ नेक्स्ट है हमारे पास कोन कैलिब्रेशन। कोन कैलिब्रेशन वो वेट ऑफ सैंड है जो कि कोन को फिल करता है, ये भी हम ऑलरेडी लैब में परफॉर्म कर चुके हैं। और उसके साथ नेक्स्ट है लैब डेंसिटी यानी कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो हम प्रॉपर डिफाइन करते हैं वो है 1.850, ये भी हम पहले चेक कर चुके हैं। उसके बाद इसकी कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखें पहले जो है वेट ऑफ सैंपल जो कि एक्सकवेटेड वेट सैंपल होता है ये मैंने यहाँ पर लिखा है 1-2, मतलब इसका जो स्टेप 1 था उससे मैंने स्टेप 2 माइनस किया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्टेप 1 है हमारे पास सैंपलिंग बैग और सैंपल का वेट, और ये स्टेप 2 है जो कि सैंपलिंग बैग का वेट 20 ग्राम्स, ये इसमें से माइनस किया है हमने। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं ये 30-66 में से हमने 20 ग्राम्स माइनस कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेट ऑफ सैंड फिल द होल, ये सैंड का वेट है जो कि होल को फिल करता है, तो ये मैंने इसमें से स्टेप 3-4-7, मतलब जो हमारे पास बिफोर पोरिंग वेट था सैंड का, ये आपको दिखा देता हूँ मैं,
ये वेट है बिफोर पोरिंग, ये आफ्टर पोरिंग, और उसके साथ ये कोन कैलिब्रेशन जो कि 1675 आ रही है, इनको हमने माइनस किया है। ये देखें तो ये हमारे पास 2907 ग्राम आया है उस सैंड का वेट जिसने होल को फिल किया है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ होल, वॉल्यूम ऑफ होल हमने स्टेप 10 में से स्टेप 10 को स्टेप 6 पे डिवाइड किया है, मतलब जो हमारे पास सैंड का वेट आया था जो कि होल को फिल कर रहा था, हमने उसको डिवाइड कर दिया है सैंड के यूनिट वेट पे, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम। अगर हमने वॉल्यूम को निकालना हो तो डेंसिटी को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये मास ओवर डेंसिटी हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया है, ये होल का वॉल्यूम है। उसके बाद है वेट डेंसिटी ऑफ एक्सकेवेटेड सैंपल। वेट डेंसिटी फाइंड करने के लिए अब हमारे पास वॉल्यूम है और उसके बाद हमारे पास एक्सकेवेटेड सैंपल का वेट भी है, तो हम इस एक्सकेवेटेड सैंपल के वेट को वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वेट डेंसिटी आएगी। उसके बाद वेट डेंसिटी को हमने ड्राई डेंसिटी में कन्वर्ट किया है, ड्राई डेंसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है वेट डेंसिटी डिवाइड बाय 1+W। तो ये हमारे पास वेट डेंसिटी आ चुकी है, इसको हम डिवाइड करेंगे 1+W। W हमारे पास क्योंकि परसेंटेज में है मॉइस्चर कंटेंट, तो इसलिए हम 12/100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज में। तो इस तरह हमारे पास ये ड्राई डेंसिटी आई है। इस ड्राई डेंसिटी को हम फील्ड डेंसिटी कहते हैं, और इसी फील्ड डेंसिटी को जब हम लैब डेंसिटी पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास कंपैक्शन आएगी, जो कि हमारे पास ये 70.1% आ रही है। तो ये हमारा सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट था और यही हमारा पर्पस था कि हम उसकी कंपैक्शन चेक करें।